हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई फाई स्टडी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम की डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी अभी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है कि जो परीक्षाएं आपकी रद्द हो जाएगी। और परीक्षा किस वजह से रद्द होगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका जहाँ पे ये एग्ज़ाम आपका मतलब जो डेटें दी गई हैं उसी में आपका ईद भी बकरीद भी है और आपका वीडियो का एग्ज़ाम भी है, जिस वजह से इसके डेट में बदलाव किया जाएगा। क्या है दोस्तों खबर, पूरी खबर पे हम लोग यहाँ पर नज़र डालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए होने वाली, साथ ही दोस्तों एक नए डेट सेट जारी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि वीडियो परीक्षा के चलते बढ़ सकती है डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा तिथि, यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड की 26 जून से शुरू हो रही सेमेस्टर परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है। इस वजह से ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा का होना वीडियो भर्ती परीक्षा तिथि में 26 व 27 जून प्रस्तावित है, जिसमें सम्मिलित होने वाले डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं ने भी आवेदन किए हैं। दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होने के अवसर देने के लिए डीएलएड की परीक्षा तिथि जो है वो बढ़ सकती है, यानी वो उत्तर प्रदेश परीक्षा न्याय प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा में प्रदेश के कुल 201,037 प्रशिक्षकों को सम्मिलित होना है। पीएनपी सचिव ने बताया है कि डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की तिथि 2 दिन आगे बढ़ाई जाएगी, इससे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है आप सभी के लिए कि पीएनपी सचिव ने यह बोला है कि हम जो है जो परीक्षा की तिथि है उसको 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, यानी दोस्तों अगर 26 से स्टार्ट हो रही तो वही परीक्षा 28 या 29 से स्टार्ट होगी। दोस्तों ये चीज अभी आपको पता है कि एक और छुट्टी बीच में पड़ रही है, वो है ईद उल फितर, यानी ईद और बकरीद की छुट्टी भी पड़ रही है, जिसको चलते मतलब ये एक त्यौहार है, त्यौहार के तौर पर दोस्तों यहां पर जो है आपके एग्जाम नहीं कराए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर लगभग 2 दिन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो परेशान थे कि दोस्तों सर यहाँ पे वीडियो का एग्ज़ाम भी, वीडियो में भी मैंने फॉर्म अप्लाई किया है, वीडियो का भी एग्ज़ाम है, जिसकी वजह से हम दोनों एग्ज़ाम कैसे दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर यही है कि पीएनपी सचिव ने यह बताया है कि एग्ज़ाम की तिथि जो है वो बढ़ सकती है, किसके चलते, वीडियो एग्ज़ाम के चलते। इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।